तो हरिद्वार से तस्वीरें आप देख रहे थे जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, उनके साथ योग गुरु बाबा रामदेव भी इस वक्त मौजूद है जहां पर श्री राम कथा आरती का आयोजन किया गया। फिलहाल अब अपने खास सेगमेंट में आगे बढ़ते हुए, सियासत में महिलाएं, हर क्षेत्र में महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं की हर क्षेत्र में अहम भूमिका है, राजनीति में भी महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन ने यह अनिवार्य कर दिया कि देश में ग्राम पंचायत के मुखिया के एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। यह नीति स्थानीय स्तर पर महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए लागू की गई थी। तब से इस नीति के प्रभाव पर विचार करने के लिए कई शोध किए गए हैं जो ये दर्शाते हैं कि ग्राम सरपंच के रूप में चुनी गई महिलाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनीति में महिलाओं को अधिकार देने के मामले में भारत विश्व का 98 नंबर पर आता है और भारत में लोकसभा की 545 सीटों में 59 महिलाएं हैं, राज्यसभा की 242 सीटों में सिर्फ 25 महिलाएं हैं। महिलाओं को अधिकार देने के मामले में भारत जॉर्डन और बेनिन जैसे देशों के साथ खड़ा है, तो पाकिस्तान इससे 47 स्थान पर है और नेपाल 80 स्थान पर। वहीं पाकिस्तान की संसद के निचले सदन में 22% के करीब महिलाएं हैं। तो ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कहाँ है और किस तरह से महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और इसके साथ ही महिलाओं की भूमिका राजनीति में किस तरह से देखने को मिल रही है। ऐसे में आज इसी पर सत्ता का टेम्परेचर होगा और ये जानने की कोशिश होगी, डिस्कशन होगा कि किस तरह से महिलाएं राजनीति में आगे बढ़ रही हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमनप्रीत कौर जी जुड़ी हुई हैं और इसके साथ ही माया सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि वुमेन एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का नेटवर्क 10 पर। सबसे पहले माया सिंह जी आपका रुख करते हुए, चूंकि जिस तरह से हम ये खास सेगमेंट लेकर आए हैं, महिलाओं की सियासत में भागीदारी किस तरह से देखने को मिल रही है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि महिलाएं आज की डेट में राजनीति में सियासत में कहां दिखाई दे रही हैं? देखिए, ये तो सभी राजनीतिक दलों ने एक निश्चित जगह तय करी है महिलाओं के लिए कि उनको कितने प्रतिशत उनके भागीदारी रहेगी या योगदान रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा विषय दीपसी ये देखने का है कि राजनीतिक दल तो टिकट का बंटवारा कर देते हैं महिलाओं के पास, लेकिन जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रही होती है वहां की जो पुरुषों की मानसिकता होती है, वो अगर वो कोई विशेष दल से ना हो तो महिलाओं को वोट देने से सभी कतराते हैं, क्योंकि आज भी हम देखें पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हैं और जो पुरुषों की सोच है वो ये है हमेशा कि महिला हमेशा द्वयम दर्जे पर आती हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अगर आरक्षित सीट है तो अलग बात है, निकल जाती है, लेकिन ये पहली बार देखा गया है कि महिलाओं को, मैंने अभी हाल ही में देखा कि अगर आप हम राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि इस बार प्रियंका जी ने, कांग्रेस ने बहुत सारी महिलाओं को बढ़ चढ़ कर दल में टिकटों को देने का बंटवारा किया, बीजेपी ने किया, दूसरे और दलों ने किया, लेकिन जो उनका विजय तिलक अगर हम देखें तो बहुत कम लोग होते हैं जो महिलाओं को वोट देने के पक्ष में होते हैं। हाँ, अगर कोई विशेष दल से है तो उनका उसका लाभ मिल जाता है, क्योंकि दल की राजनीति के हिसाब से उनको वोट मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर महिलाएं आती हैं तो अगर बहुत अच्छे पद पर हैं तो फिर भी उसको समाज एक अच्छे उससे देखता है, लेकिन बहुत अच्छे जिसको हम बोलते हैं संभ्रांत परिवार होते हैं, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। मैं क्योंकि मैं तो जमीनी स्तर पर भी काम करती हूँ, कस्बों से लेकर शहरों से लेकर, लेकिन मैंने मोर देन 75% पुरुषों का जो विचारधारा देखी है वो अपने घर की महिलाओं को, विशेषकर अपने घर की महिलाओं को मैं शब्दों पर जोड़ दूंगी, वो बहुत प्रिफेयर नहीं करते हैं कि वो महिलाएं राजनीति में जाएं, क्योंकि राजनीति में महिलाओं का जिस तरह से बहुत सारे हमने सुना है कि भाई बहुत सारी महिलाओं के बयान हैं कि भाई इस तरह का होता है या हर तरह की, मतलब उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता, किस तरह का भी है शोषण जिस तरह भी रहा, तो बहुत सारे जो अच्छे, मैंने ये अच्छे या बुरे की परिभाषा तो नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत सारे पुरुषों को ये सुना है कि ठीक है राजनीति में कोई महिला है उसको सहयोग करेंगे, बात करेंगे, बैठेंगे, लेकिन जो उनकी विचारधारा होती है उन महिलाओं के प्रति, जो उनके पीछे से जिनके शब्द हमने सुने हैं बहुत सारे पुरुषों के, तो बहुत अच्छी विचारधारा नहीं रखते हैं वो महिलाओं के प्रति कि उनके ऊपर कोई महिला उनके ऊपर राज करे, बैठ के पावर में, सत्ता में, कहीं पर। तो जो शब्दों का चयन होता है, जब सामने तो बहुत अच्छे शब्दों का यूज करते हैं, चयन करते हैं, लेकिन जब पीछे से बात करने की आती है तो बहुत अच्छे शब्दों पर बात नहीं आती। इसलिए बहुत सारे विशेषकर पुरुष समाज ये कहता है कि नहीं तुम अपने घर की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कि नहीं घर में बैठिए, लेकिन हाँ चूंकि समाज में बैठे हैं, दल के साथ बैठे हैं, तो एक सहयोग करना
एक अनिवार्य हो जाता है कि आपने उसको करना है। तो ये बहुत सारी चीजें, मैं देखिए दो, हम पुरुष प्रधान समाज में आज भी दीपसी रह रहे हैं और पुरुष प्रधान समाज में हमेशा महिलाएं दोयम दर्जे पर आती हैं और आती रहेंगी। मैं इसमें कोई कहते हुए मुझे झिझक नहीं है कि राजनीतिक दल में देखिए आपसे जानना चाहूंगी, अभी जैसे आभा सिंह जी ने अपनी बात रखी, उनका कहना है कि राजनीति में महिलाएं जब जाती हैं तो बहुत सारी चीजें उनको फेस करनी होती हैं, ऐसे में अभी जो महिलाओं की भागीदारी है उस पर आप क्या कहेंगे, और इसके साथ ही अगर महिलाएं वहां पर खुद को महफूज करती हैं तो आगे किस तरह की हिस्सेदारी महिलाओं की देखी जा सकती है? भारत एक ऐसा देश है जहाँ जो पुरुष प्रधान है, पर ये बात भी हम भूल नहीं सकते कि यहाँ पे महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। अगर भूतकाल से ही हम बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई को हमने महिलाओं के एक अच्छे लीडर के रूप में उभर के आई। उसके बाद हम लोग अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो हम लोग इंदिरा गांधी को नहीं भूल सकते, उन्होंने इतने साल भारतवर्ष में राज किया। हम लोग अपने राष्ट्रपति को नहीं, प्रतिभा पटेल को नहीं भूल सकते, जिन्होंने इतने पहले जो हमारी महिला राष्ट्रपति वो इलेक्ट हुई हमारे भारतवर्ष में। तो इलेक्शन की अगर बात करें, पॉलिटिक्स की अगर बात करें, तो सब महिलाओं का अलग अलग नजरिया रहता है, पर वहां अगर पॉलिटिक्स में ज्यादा महिलाओं के आने की बात करते हैं, हमेशा दो इंद्रज पे रहती हैं, क्योंकि उसका कारण ये रहता है कि अगर रिजर्व सीट भी रहती है, उनको सीट मिल भी जाती है, वो इलेक्शन जीत भी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उनके जो डिसीजन मेकर हैं वो उनके हस्बैंड, उनके भाई, उनके पिता रहते हैं। यही चीजें हैं जो पॉलिटिक्स में महिलाओं को बहुत ज्यादा आगे आने नहीं देती हैं, चाहे कि उनमें अच्छी सूरत, अच्छी सीरत के साथ बुद्धिमता की कोई कमी नहीं है। अपनी तेज बुद्धि से बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने देश में झंडे गाड़ दिए हैं, अपना नाम देश विदेश में। चावला को नहीं भूल सकते जो अंतरिक्ष में हमारी पहली महिला थी जो गई है, हम लता मंगेशकर को नहीं भूल सकते जिसने पहला जो गायकों में, महिला गायकों में उनको पहला इनाम मिला था। उसके बाद हम लोग मदर टेरेसा की बात करें तो उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। तो ये भी वही महिलाएं हैं जो भारतवर्ष से उठ के आगे आई हैं। महिलाएं हमेशा से देश में, अब जो महिलाओं की सक्रियता वो काफी ज्यादा देखी जा रही है और इसके साथ ही तमाम क्षेत्र हैं जहां पर महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हुई नजर भी आ रही हैं। माया सिंह जी, आपने जिस तरह से राजनीति में महिलाओं का जिक्र किया कि आपने अपना ही उदाहरण दिया कि आपके घर में भी बहुत लोग सही नहीं समझते हैं राजनीति में महिलाएं अगर जाती हैं तो, लेकिन अगर हम जिक्र करें कि संसद में महिलाओं की संख्या को लेकर, तो वहां पर जिस तरह से महिलाओं की संख्या है, अगर राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर देखा जाए तो 103 महिलाएं अभी वहां पर हैं, लेकिन वहीं पर पुरुषों की संख्या यहाँ पर ज्यादा दिखाई देती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, चूंकि ये तो नामित और चुनाव से जीत की बहुत सारी महिलाएं नामित हैं, संशोधित हैं, सब है, लेकिन देखिए हम बहुत सारी चीजें बात करते हैं कि हमारे देश के सदन पे हमारी इतनी सारी महिलाएं होती हैं, लेकिन आज भी हम महिलाओं मुद्दों पर, अभी पीछे बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी महिलाओं मुद्दों पर बात अगर करती हैं तो बहुत सारी महिलाओं का सदन में बैठकर भी बहुत सारी चुप रह जाती हैं, क्योंकि आजकल मुद्दे जो हैं, जो डिस्कशन होते हैं, जिन पर चर्चा होती है सदन में, वो दलगत के हिसाब से होते हैं, विशेष दल के हिसाब से होते हैं। क्या मुद्दे हैं, क्योंकि मैं चूंकि नॉन पॉलिटिकल हूँ, मैं इस पर बात करती हूँ। सपोज अगर हम बात करें कांग्रेस की, जब सरकार ली तो तेल के लिए, निर्भया के लिए दूसरी महिलाओं नेताओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर बात लिया, लेकिन जब बीजेपी की रही तो बहुत सारी चीज़ों में, तो ये जो महिलाओं को जिस तरह से चुनाव को जिस तरह से लेकर हम देखा जाता है, तो वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं दल से तो बंद ही जाती है, ठीक है, रिजर्व सीट है, जीत है, आ गई, सदन में बैठ गई, लेकिन वो भी इतने पुरजोर तरीके से महिलाओं के मुद्दों पर बात नहीं कर पाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक तरह से उनके पास बाउंडेशंस होती है, बाधित होती है कि आपको नहीं करनी है, आप आज इस पद पर बैठे हैं तो आपको ये विशेषकर बात करनी है, तो आपको वो मुद्दा मिल जाता है कि आप इस चुनावी एजेंडे के तहत इस पर बात कीजिए, लेकिन अगर कहीं दूसरी तरफ बैठ जाती हैं तो फिर उसी मुद्दे पर वो चुप लगा जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि महिलाएं अगर आती हैं राजनीति में, उनकी काबिलियत की वजह से उनको मानना चाहिए, क्योंकि पीछे बहुत सारी दो ग्रुपों में, मैं तो चूंकि महिलाओं मुद्दे पर डिबेट करती हूँ कि भाई महिलाओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, उनको उनका चरित्र को लेकर इतनी सारी बकवास हो जाती है, बातें हो जाती है, क्योंकि मैंने खुद एक बार जी पे बात करी थी कि जब महिलाओं पे अगर राजनीतिक दल के नेता बात करते हैं तो उनकी विचारधारा अपने दल के हिसाब से होती है, वो महिलाओं के हिसाब से नहीं होती है कि हमको किसको डिफेंड करना है, क्या नहीं करना है। वही मैं बोलती हूँ कि वही नेता आप बैठ के एक बहुत, आज देखिए अमनप्रीत जी ने बात करी कि हमारे यहाँ
महिलाओं को देवी के रूप में पूजने माना जाता है, नवरात्रे चल रहे हैं माना जाता है, लेकिन आज भी देखिए उठा के एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए कि महिलाओं के साथ आज भी इनकी नवरात्रों के दिनों में भी बहुत सारी बच्चों के साथ बलात्कार के केस दर्ज होते हैं, रुकती है। तो दोहरी मानसिकता में हम जीते हैं कि जो पुरुष 9 दिन बैठ के कन्याओं का पूजन करके भोजन कराता है और 12वें दिन वो जाके मदिरा पान करके उसकी सोच में इतना फर्क हो जाता है कि सुबह पूजा करता है शाम को एक महिला पास हो रही होती है तो उसका देखने का नजरिया अलग होता है। तो कहने का मतलब यह है कि देश हमारा बहुत सारी महिलाएं व्यक्ति विशेष को ना देखकर देखें, लेकिन स्थिति आज भी हमारे देश में महिलाओं की बड़ी विकट है। बहुत आप मैं तो रोज सुबह एनसीआरबी हमारे पास डाटा जाते हैं कहाँ कितनी बच्चियों के साथ क्या प्रॉब्लम है क्या है, और बहुत सारे मुद्दे तो दबा दिए जाते हैं। बहुत सारे पारिवारिक पुरुष बच्चियों के साथ करते हैं, आप तो राजनीति की बात कीजिए, तो राजनीति में जिस तरह के महिलाओं का शोषण दूषण होता है महिलाएं खुद बताती हैं कि कहीं अब हमने महिलाओं से सुना है, हम तो नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन महिलाएं एक महिला दूसरी महिला को कहती है अरे ये तो फला व्यक्ति ऐसे वहां पे इतनी उच्च पोस्ट पे पहुंची है, दूसरी महिला कहती है अरे बोलते, तो ये इस तरह का दोषारोपण एक महिला महिलाओं के ऊपर करती है। यानी कि जब कोई महिला आगे बढ़ती है तो इस तरह की सोच उन पर हावी होती हुई दिखाई देती है। राजनीति में तो विशेषकर होता है कि आप उसके काम को देखिए, उसकी शक्ल पे, अब बहुत बड़ी एक एमपी थी कलकत्ता की थी, बहुत फेमस एक्टर, बहुत खूबसूरत महिला थी जिनके बारे में बड़ी चर्चा रही, तो मैं नाम तो नहीं लूंगी लेकिन कलकत्ता से है, तो मुस्लिम थी लेकिन हिंदू पूरे हिंदू से शादी करी, तो बहुत साज सिंगर के बड़ी खूबसूरत महिला थी, तो उनके बारे में करा गया। लेकिन जब आप एक उच्च पद पे बैठ जाते हैं लेकिन उसके बावजूद आपको पद तो मिल गया लेकिन लोगों की जमान राजनीतिक दलों के प्रति जो महिलाओं का विशेष योगदान होता है उस पर भूल जाते हैं, वो उनको अलग तरीके से आंकना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अभी भी राजनीति में महिलाओं को आने के लिए, अच्छी महिलाओं को आने के लिए और बहुत अच्छी यानी कि कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि जब राजनीतिक सफर की शुरुआत कोई महिला करती है तो वहां पर जो महिला सामने होती है उस राजनीतिक करियर जिसका शुरू हो चुका होता है वो साथ नहीं देते हैं, नहीं उसी से सबसे पहले लड़ना होता है उसी के लिए, क्योंकि एक महिला दूसरी महिला को वहां पर जिस तरह की भाषा से व्यवहार से काटती है, जिसके जिस तरह से उसके चरित्र का दूषण करती है वो महिला करती है, पुरुष नहीं करते हैं वो विशेष दल में। ठीक है अमनप्रीत जी, आपको क्या लगता है जब कोई महिला राजनीतिक सफर की शुरुआत करती है तो किस किस तरह की चुनौतियां उन्हें फेस करना, चूंकि आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं इसलिए आपसे समझना चाहूंगी और आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि जब एक महिला सफर की शुरुआत करती है और वो भी राजनीतिक सफर जहां पर तमाम पुरुषों को फेस करना होता है, तमाम तरह के लोगों को फेस करना होता है, ऐसे में किस तरह की चुनौतियां देखने को मिलती हैं? कि महिलाओं को सबसे पहले तो इसी पॉइंट पे घेरा जाता है कि उंगली उन पे चरित्र पे उठाई जाती है। जैसे अभी मैडम ने नुसरत की बात करी तो नुसरत वो एक टीएमसी की लीडर है कलकत्ता की, जो मुस्लिम से उसने शादी करी, मुस्लिम थी और हिंदू से उसने शादी करी, तो उस पे इतना कीचड़ उछाला जा रहा था कि वो सिंदूर क्यों भर रही है, वो मंगलसूत्र क्यों पहन रही है। तो यानी जो मुद्दे रहते हैं राजनीति में उनसे हटके एक महिला के ऊपर उसके चरित्र को लेके, उसके वेशभूषा को लेके, उसके पहरावे को लेके, उसकी शादी को लेके ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी लांछने उठाए, शर्मसार हो जाता है। ऐसी बात बिल्कुल सही है कि भले हमारे देश में देवी के रूप में महिलाओं को पूजा जाता है पर उसके बावजूद भी रेप के कोई केस कम नहीं हुए हैं। जो शोषण होता है वो पारिवारिक शोषण भी होता है, फैमिलीज में, आसपास में, पड़ोस में, हर तरीके के शोषण से जो महिलाएं हैं वो विचरती हैं, उसके बावजूद वो अपना जो उनके अंदर टैलेंट होता है उसके उभार के सामने लाती हैं, अपने गुणों को वो निखारती हैं और हर फील्ड में अपने आप को प्रूव करती हैं। हम जब बात करते हैं भारतीय महिला की तो हम बात करते हैं हमारे देश की 50% महिलाओं की, 50% आबादी की। हम देखते हैं कि जो भी हमारे अधिकार, जो भी हमारे दोनों कैटेगरीज में दिए जाते हैं महिला को और पुरुष को, उसमें संविधानिक रूप पे बहुत आजादी होती है। हमारा संविधान औरत को और मर्द को एकदम एक जैसे जो आजादी है वो प्रोवाइड करता है, पर हमारी जो सोसाइटी है उसकी जो मानसिकता है वो इतनी विचारधारा जो इतनी कसी हुई है, इतनी पुरानी है कि वो उनकी रूढ़ीवादी सोच जो है वो महिलाओं को आगे आने ही नहीं, अपनी क्षमता में किसी चीज में पीछे नहीं है। लेकिन ऐसी फील्ड है कि महिलाएं जो हैं घर के साथ साथ बाहर का काम भी देखती, बिल्कुल अगर समानता की बात हो तो ये प्रश्न उठना लाजमी हो जाता है। माया सिंह जी आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि अभी जिस तरह से अमनप्रीत जी ने कौर उन्होंने जिक्र किया कि महिला और पुरुष में समानता होनी चाहिए, तो जिस तरह से समानता का जिक्र हुआ है ऐसे में जो सभी राजनीतिक पार्टियां, मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बोलूंगी, सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं क्या वो
समानता दे पा रहे महिलाओं और पुरुषों के बीच में? क्योंकि अगर देखा जाए तो पुरुषों को ज्यादातर टिकट दिया जाता है अगर इलेक्शन होता है, और उसके बाद अगर महिलाएं जीत कर आती है तो उनमें से कई ऐसी महिलाएं हैं जो राज्यसभा लोकसभा तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता है। वो जीतती तो है लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाता है, किसी भी बड़ी जिम्मेदारी से लोग पीछे हटते हैं देने से, इसकी क्या वजह है? देखिए, चूंकि मैं तो ये समझती हूँ कि राजनीतिक दल जो होते हैं उनको अपनी टिकट निकालने से मतलब होता है, अपनी सीट निकालने से मतलब होता है, चाहे वो किस तरह के भी साम दाम दंड भेद किस तरह के भी प्रयोग करें, लेकिन उन पे ये प्रेशर रहता है कि आपको इस इलाके से, ये क्षेत्र से सीट जीत कर देनी है। अब चूंकि महिलाएं इतनी अग्रेसिव नेचर की नहीं होती या महिलाओं का बैकग्राउंड इस तरह से नहीं होता कि वो मैक्सिमम खराब एरिया में या जाकर वो काम कर सकें, या बाहुबली नहीं होती हैं जैसे पुरुषों के लिए कहा जाता है, तो ये एक राजनीतिक के अंदर ये भी एक दबाव रहता है कि आपको अपनी क्षेत्र की सीट निकालकर पार्टी को देनी होती है, आपका वर्चस्व है उस एरिया में। महिलाओं को जिस तरह से देखा जाता है कि महिलाओं का वर्चस्व उस तरह से नहीं माना जाता, उनको काम के तरीके से देखा जाता है। जैसे अभी बात हो रही थी, मनप्रीत जी ने कहा कि महिलाएं सरपंच सीट पे निकलती हैं, कि जीत तो वो जाती हैं चूंकि रिजर्व सीट होती है, लेकिन जो उनके, मैं तो बहुत देखा है कि उनके जो निर्णय होते हैं उनके परिवार के पुरुष बेटे जितने भी जो भी रहे वो लेते हैं, वो उनके पास बहुत कम पावर्स होती हैं क्योंकि अब रिजर्व है तो लेनी पड़ती है। मैं तो अभी आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मैं कहीं पास से गुजर रही थी तो लाइन से एक तीन शराब के ठेके दिखे, और शराब के ठेके, चार शराब के ठेके थे और चारों महिलाओं के नाम पर थे, तो मैंने उसकी फोटोज भी खींची और उस पर बात भी करी कि ये महिला सशक्तिकरण है, कि शराब के ठेके की मालकिन है, और वो बहुत सारी महिलाएं होती हैं कि प्रॉब्लम होती है उनके साथ के भाई वो शराब की वजह से। तो ये ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसपे हम अगर हम बात करें तो मैं समझती हूँ कि मैं महिलाओं को नहीं समझ पाती इस विषय में, क्योंकि मैं नहीं कंफर्टेबल नहीं हो पाती महिलाओं के जो पुरुष विचार रखते हैं महिलाओं के लिए राजनीतिक दल में, जिस तरह की वो भाषा का प्रयोग करते हैं, वो सामने तो चूंकि मंच पर आसीन है, सफेद पोश है, तो उनकी भाषा अलग होती है, लेकिन जिस तरह से बैकग्राउंड में, जिस तरह से हमने खुद सुनी है महिलाओं के प्रति उनके विचार, उनकी भाषा, तो एक बहुत खराब इम्पैक्ट जाता है महिलाओं के लिए। और उनके परिवार के पुरुष जब सुनते हैं कि ये फला व्यक्ति ऐसी विचारधारा रखता है तो वो मना कर देते हैं, आप भी मत जाइए। अब चूंकि बात राजनीति, समय की कमी है इसलिए आप लोगों से एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगी। सबसे पहले अमनप्रीत जी आपसे, चूंकि जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि सियासत में महिलाओं की जो भागीदारी है, ये भागीदारी कैसे बढ़ पाएगी, इस पर आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा, अगर पॉलिटिक्स में आगे आ रही हैं महिलाएं तो उनको ममता दीदी की तरह बनना होगा, उनको इंदिरा गांधी की तरह बनना होगा, कि अगर आपके पैर पकड़ के पीछे खींचने वाले लोग भी हैं तो आप उनकी परवाह नहीं करो, आप आगे आओ, आप अपनी क्वालिटीज के साथ आगे आओ और आप जो करना चाहते हो आप करो। इसमें स्ट्रांग होना मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, और माया जी आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, महिलाओं की जो भागीदारी है वो किस तरह से आगे और बढ़ पाएगी? देखिए, अमनप्रीत जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। महिलाएं जो थी, देखिए इंदिरा गांधी जी के पास एक सॉलिड बैकग्राउंड था, उनके फादर प्राइम मिनिस्टर रहे, ममता जी का एक अपना रहा कि वो जिस तरह से रही, लेकिन अगर जब युवा की वर्ग की महिलाओं की बच्चों की तरफ देखते हैं, अगर उनको पार्टी में जाना पड़े तो किस तरह की समस्याएं, अमनप्रीत जी को सोचना चाहिए किस तरह की समस्याएं फेस करके आगती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मुकाम पे पहुंच गई। तो हम एग्जांपल देते हैं, बिकॉज उनका बैकग्राउंड कहते हैं गॉडफादर होना बहुत जरूरी है राजनीति में, अगर आपका गॉडफादर स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली सर्वाइव करेंगे, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप चींटियों की तरह कुचल दी जाती है, मसल दी जाती है, पीछे धकेल दी जाती है। तो ये सबसे बड़ा लाइन ऑफ एक्शन होता है कि आपका गॉडफादर कौन है, आपको राजनीति में संरक्षण कौन दे रहा है, आपको प्रमोट कौन कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो आप अगर इसको देखें तो बहुत सारी महिलाएं हमने देखी बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन उनको उचित मुकाम नहीं मिल पाता, सही प्लेसमेंट नहीं हो पाती उनकी जगह, तो फ्रस्ट्रेटेड होकर वो भी हट जाती हैं। लेकिन वही चीजें हैं कि बैक लॉबिंग कितनी स्ट्रांग है उस पर भी बहुत मद्देनजर देखा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट होता है महिलाओं के साथ कि उनकी बैक लॉबिंग, उनका गॉडफादर कौन है, उनको उसी तरह से स्थान भी दिया जाता है, उसी तरह से उनको प्रमोट भी किया जाता है। अमनप्रीत जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप जल्दी से अपनी बात रखिए। जी, बस मैं यही कहना चाह रही थी कि जरूरी नहीं है कि आपका अगर गॉडफादर है या आपके अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तभी आप आगे आओगे। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। हम अगर बात करें ममता की तो ममता जी भी ऐसे ही आई हैं, स्मृति ईरानी की बात करें तो वो भी ऐसे ही आई हैं, शीला दीक्षित की बात करें तो वो भी ऐसे ही आई हैं। इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, ये अपने दम पे आई हैं, ये स्ट्रांग थी और इन्होंने लोगों की बिल्कुल जाहिर तौर पर मेहनत और लगन की जरूरत होती है। हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए माया सिंह जी और अमनप्रीत कौर जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर महिलाओं की जो भागीदारी है वो सियासत में अभी और बढ़नी बाकी है, क्योंकि अभी भी
जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है और ऐसे में इसको और बढ़ाना होगा। फिलहाल जिस तरह से दोनों गेस्टों ने अपनी बात रखी है कि अभी और भी ज़्यादा ज़रूरत है और मेहनत और लगन की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो तो ही महिलाएं राजनीति के सफ़र में आगे बढ़ सकें।